नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे देश में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनका कहीं न कहीं विशेष महत्व हमारी पौराणिक कथाओं में बताया गया है। शास्त्रों में उनका अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है कि उनकी पूजन करने से, उनके दर्शन करने से मनुष्य के जितने भी दुख दारिद्र हैं वो दूर हो जाते हैं। आप वृंदावन चले जाएं, मथुरा चले जाएं, अयोध्या चले जाएं, या तिरुपति बालाजी, या फिर आप शिरडी चले जाएं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई पौराणिक कथाएं हैं और जिनके आधार पर मनुष्य उन समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। इसी कड़ी में हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, इनका विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक विशेष महत्व है। भगवान शिव बड़े दयालु होते हैं और ये व्यक्ति की छोटी सी पूजा से ही बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करने से, उनके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सारे दुख दारिद्र, भय, कष्ट, रोग, व्याधि आदि सब समाप्त हो जाते हैं। इसी के चलते हमारे शास्त्रों ने इन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व जो है, हमारे जो 12 राशियाँ होती हैं उन 12 राशियों के अनुसार बताया है कि इन 12 राशियों का प्रभाव इन ज्योतिर्लिंगों पर किस प्रकार से पड़ता है, इनका इन 12 राशियों से किस प्रकार का कनेक्शन है, यह सारा हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो अलग अलग राशि के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंग की पूजा करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, यह समस्त जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले हम आपको देने के लिए जा रहे हैं, मित्रों, आज हम आपके लिए मकर राशि वाले लोगों के बारे में बताएंगे कि मकर राशि वाले लोगों के लिए किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहिए और उनका किस प्रकार से उनकी पूजन करना चाहिए। मकर राशि वाले लोगों का जो ज्योतिर्लिंग है या मकर राशि का जो कनेक्शन है वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में पड़ता है। नासिक से करीब 27-28 किलोमीटर दूर यहाँ पर यह स्थित है। इस त्र्यंबकेश्वर की बड़ी मान्यता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो कालसर्प दोष की विशेषकर यहाँ पर पूजन होती है, कालसर्प दोष की यहाँ पर शांति कराई जाती है। मकर राशि वालों का जो ज्योतिर्लिंग है वो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उन्हें किस प्रकार से पूजन करना चाहिए, श्रावण मास में या महाशिवरात्रि में आप गंगा जल में यदि गुड़ मिला करके उनका अभिषेक करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूरी होगी। सबसे पहले आप उनका गंगा जल में गुड़ मिलाकर के अभिषेक करें और फिर इसके पश्चात नीले फूल आप उन्हें अर्पित करें बिल्व पत्र के साथ में, और आप कम से कम वहाँ बैठ करके 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपके जीवन की अनेक कष्ट कठिनाइयों का समाधान आपको वहाँ पर मिलेगा। आपके कालसर्प दोष भी दूर होगा और आपकी अनेक कष्ट कठिनाइयाँ भी आपकी दूर होंगी। यदि आप वहाँ नहीं जा सकते हैं तो श्रावण मास में या महाशिवरात्रि में आप अपने घर के आसपास जो भी शिवलिंग है वहाँ पर उनको गंगा जल में थोड़ा सा गुड़ मिला करके उनका अभिषेक करें और फिर बिलपत्र एवं नीले फूल उन्हें अर्पित करें, धतूरा उन्हें अर्पित करें
और वहाँ बैठ करके आप 5 माला कम से कम ओम नमः शिवाय का मंत्र का आप जाप करें, यानी सबका जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका यदि आप जाप करते हैं तो फिर आपकी जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ण होंगी, आपके समस्त कार्य बनते हुए चले जाएंगे और आपकी जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मकर राशि वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार से यदि भगवान शिव का पूजन करते हैं तो फिर उनके लिए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, कई लोग पूछते हैं कि आप लग्न के आधार पर राशि बता रहे हैं या चंद्र लग्न के आधार पर, तो ये चंद्र राशि के आधार पर हम बता रहे हैं। जिनकी चंद्र राशि यानी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपका जिस राशि में है वह आपकी राशि होती है। तो जिनका 10 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है यानी मकर राशि जिनकी होती है, तो वो आप अपनी जन्म कुंडली को देख लें और चंद्रमा जिस नंबर पर बैठा हो, यदि 10 नंबर पर है यानी मकर राशि, 10वां नंबर जो है मकर राशि का होता है, 9 नंबर पर है तो वो धनु राशि होती है, 8 नंबर पर है यानी वृश्चिक राशि, 7 नंबर पर है यानी तुला राशि। तो इस प्रकार से जो राशियों का क्रम है 1 से लेकर के 12 तक, 1 नंबर आने मेष राशि, 12 आने मीन राशि। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा जिस आपका नंबर पर विराजमान है, जिस राशि पर, वो आपकी राशि होती है। तो ये चंद्र राशि के आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि चंद्र राशि के आधार पर आपकी जो राशि है उस राशि वाले यदि इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन या पूजन करते हैं तो उन्हें फ़ायदा होगा। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।